गरीबों और महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले ही कार्यकाल से संजीदा हैं। कभी उन्होंने उज्ज्वला योजना तो कभी सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए लाभ पहुंचाने की कोशिश की। दूरदराज और खासकर गांव की महिलाओं के हाइजीन को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को लेकर मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने महिला स्वच्छता को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सैनिटरी नैपकिन की कीमतों में 1.5 रुपए की कमी की है। अब महिलाओं को सिर्फ 1 रुपए में सैनिटरी नैपकिन जन औषधि केंद्रों पर बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। पहले नैपकिन के पैकेट की कीमत 10 रुपए थी, पैकेट में 4 नैपकिन मिलते हैं। प्रति पैड की कीमत 2.5 रुपए थी, अब प्रति पैड की कीमत 1 रुपए कर दी गई है। कीमत घटने के बाद पैकेट 4 रुपए में मिलेगा। सरकार ने 1.5 रुपए दाम घटाए हैं। देश भर के 5,500 जन औषधि केंद्रों पर पैकेट मिलेगा। पिछले साल करीब 2.2 करोड़ सैनिटरी नैपकिन बिके हैं। ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन सुविधा के दामों में कमी से ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसकी बिक्री और बढ़ेगी और महिलाएं ज्यादा से ज्यादा इसे इस्तेमाल करेंगी ताकि पीरियड्स के दौरान गंदे कपड़े से होने वाली बीमारी से वो बच सके। क्योंकि महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी अपने परिवार को भी स्वस्थ रख पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।